नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान शिक्षण यूट्यूब चैनल में। माइक्रोसॉफ्ट में एप्लीकेशंस कोई भी हो जिसमें एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, इस डॉक्यूमेंट को सेव करते वक्त हमें एक एरर आता है जिसका नाम है वी कांट सेव, और फाइल पाथ आता है उसके बाद में बिकॉज फाइल इज रीड ओनली, टू कीप योर चेंजेस वी विल नीड टू सेव द प्रेजेंटेशन विथ न्यू नेम और डिफरेंट लोकेशन। मतलब इसमें क्या है, आपको आपका जो फाइल है डिफरेंट लोकेशन पर सेव करना है। तो सबसे पहले हम एक फाइल लेते हैं जहाँ हमने ज्ञान शिक्षण नाम की फाइल ली है, और यहाँ पर आप वर्ड भी ले सकते हैं, डॉक्यूमेंट कोई भी हो, सेम सोल्यूशन है और सेम एरर आता है। यहाँ पे हमने ज्ञान सेक्शन लाइक एंड सब्सक्राइब कुछ लिख के रखा है जिससे कि हमें पता चले कि एरर एग्जैक्ट क्या आता है। तो यहाँ पे हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद में आपको देखिए ये एरर आता है, हम इसे जूम करके आपको बताते हैं। तो इस एरर का सॉल्यूशन इस वीडियो में बताएंगे, तो आप सही चैनल और राइट वीडियो पे आए हैं, तो बने रहिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक बार सेव करके देख लीजिए। सेव एज बटन पे हम क्लिक करते हैं। तो सेव एज बटन पे हम क्लिक करने के बाद में यहाँ पे हम कोई दूसरा नाम दे देते हैं, डिफरेंट लोकेशन, सेम नाम से सेव नहीं होगा, तो हम जिसे दूसरा नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे 123.pptx नाम फाइल है हमारी, सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद में ये एरर दे रहा है कि आप इसे डॉक्यूमेंट फोल्डर में सेव करें, तो हम डॉक्यूमेंट फोल्डर में सेव करते हैं, तो यस करते हैं यहाँ पे। तो डॉक्यूमेंट फोल्डर का हमारा पाथ ऑटोमेटिक शो होता है, तो यहाँ पे हम सेव करते हैं, सेव बटन पे क्लिक करते हैं, तो तभी भी एरर आता है, मतलब हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व नहीं होता है। तो इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम देखेंगे। तो हम क्या करना है, यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, इसे कैंसिल करते हैं, एप्लीकेशन जो हमारी पावर पॉइंट विंडो है इसे भी क्लोज कर देते हैं, डोंट सेव पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन क्या है। अब आपको फोल्डर में आपका फाइल होगा, फाइल यहाँ पे है हमारा, ऊपर देखिए व्यू बटन पे, व्यू बटन पे प्रीव्यू पैन है, इस प्रीव्यू पैन बटन को आपको डिसेबल करना है। अभी एक्टिवेट है, आप इसे डीएक्टिवेट कर दीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये प्रीव्यू पैन एक्टिवेट होने की वजह से आपको ये रीड ओनली का मैसेज आता है। तो हम फिर से ओपन करते हैं, आपको दिखा देते हैं, और यहाँ पे कुछ नाम टाइप करके और सबटाइटल भी कुछ टाइप करके लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब, सब्सक्राइब बटन से याद आया दोस्तों कि आप चैनल पे नए हो और इसमें कुछ नया सीखने को मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सेव कर, हमारा एरर तो गया नहीं, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है दोस्तों, इसे कैंसिल कर दीजिए, इसे भी कैंसिल कर दीजिए, टोन से भी कैंसिल कर दीजिए। अब यहाँ पे हमारा जो फोल्डर है, ये फोल्डर को भी आप क्लोज कर दीजिए। फोल्डर को क्लोज करने के बाद में फिर से फोल्डर को ओपन कीजिए, और फोल्डर में से आपकी जो फाइल है फाइल को ओपन कर दीजिए। रिफ्रेश करना था हमें, रिफ्रेश करने के लिए आपको फोल्डर को क्लोज करना है, फिर से रिस्टार्ट करना है आपकी फाइल को, और यहाँ से देखिए, फिर देखिए आपने तो जो प्रीव्यू पैन है उसको तो डिसेबल कर ही दिया है। यहाँ पे लिखते हैं हम सब्सक्राइब वगैरह, और इसे सेव करते हैं, तो देखिए सेव हो जाता है, नीचे देखिए आप सेव हो गया है। अब इसे क्लोज करते हैं, फिर से देख लीजिए, सिंपली ओपन करते हैं, जो हमने सेव किया था वो ऑटोमेटिक वहाँ पे है। तो आई होप कि आपको वीडियो में कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। थैंक यू।